हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल रितु एनसीईआरटी क्लासेस। बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लासेस में फ्रैक्शन के टॉपिक को और नंबर सिस्टम के टॉपिक को पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। फिर उसके बाद से हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ना शुरू किया था, जिसमें से हम लोगों ने एचसीएफ के साधारण प्रश्न और एचसीएफ के साधारण प्रश्न को पूरा पॉइंट टू पॉइंट सॉल्व ट्रिक से भी और अपने बेसिक तरीके से भी अच्छी तरीके से सीख लिया है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लासा के साधारण प्रश्न, मतलब कि एलसीएम। ठीक, तो इसमें क्या है कि हम लोग एलसीएम को बेसिक तरीके से लगाना सीखेंगे, जैसा कि आज तक हम लोगों को सिखाया गया था। ठीक, उसके बाद में क्या है, एलसीएम की एक सॉल्ट ट्रिक बताएंगे, जिससे आप बहुत ही कम समय में किसी बड़ी से बड़ी संख्याओं का भी एलसीएम बहुत कम टाइम में निकाल लेंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। आज क्वेश्चन कौन सा है? पहला है 9, 12 और 8। इसका हमें क्या बताना है? एलसीएम बताना है। ठीक, एलसीएम तो हम लोग सबसे पहले अपने बेसिक मेथड से लगाएंगे, जो आज तक हम लोगों ने सीखा है, जैसा आज तक हम लोग एलसीएम करते आए हैं। फिर उसके बाद हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक देखेंगे एलसीएम को सॉल्व करने की, कितनी से बड़ी संख्याएं दी हो उसका एलसीएम निकालना हो, उस शॉर्ट ट्रिक से आप बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले अपना बेसिक तरीका देखते हैं। बेसिक क्या था हमारा? यहाँ पे हम 9 लिखते थे और 12 और 8 लिखते थे। फिर हम क्या है, संख्याओं को जहां तक कोशिश हो सकती थी, संख्याओं को हम छोटी से छोटी संख्याओं से काटने की कोशिश करते हैं। एलसीएम में ऐसा नहीं होता कि तुरंत ही आप बड़ी संख्या से काट दें, जहां तक हो सके हमको पहले छोटी संख्या लेनी होती, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी संख्या लेनी होती है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अपनी सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करेंगे, 2 से। 2 से यहाँ पर कुछ संख्याएं कट रही हैं तो हम काट देंगे, 9 नहीं कट रहा है तो 9 को अपनी जगह लिख देंगे। जो कट जाएंगी उनको हम काट देंगे, जो नहीं कटेंगी उनको वैसे ही अपनी जगह पर रख देंगे। ठीक, जो कट जाएंगी उनको काट देंगे, जो नहीं कटेंगी उनको अपनी जगह पर रख देंगे। 2, 6 जा 12, 2, 4 जा 8, फिर यहाँ पे 9 लिखेंगे, 2, 3 जा 6 हो गया, 2, 2 जा 4, फिर इसके बाद 2 से कट जाएगा, यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद हमने 3 लिया, 3, 3 जा 9, 3 बन जा 3 और 1, फिर हमने क्या लिया, 3 लिया, 1 हो गया, 1 हो गया। ठीक, लास्ट में सब जगह क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, तो हमारा एलसीएम हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई, 2, 2 जा 4, 4, 2 जा 8, 8, 3 जा 24, 24, 3 जा 72। ठीक, तो ये हमारा एलसीएम क्या आ गया, 72। तो ये हमारा मेथड कौन सा था, बेसिक मेथड था। अब हम लोग क्या है, एक ट्रिक देखते हैं एलसीएम को सॉल्व करने की। ठीक, तो ये क्या है, शॉर्ट ट्रिक एलसीएम को सॉल्व करने की। तो सिंपल सी, जैसे हमारी संख्याएं थी हम वैसे ही संख्याएं लिख लेते हैं। अब इन संख्याओं को क्या, जो हमारा 9 है, क्या इसको 3 की पावर 2 लिख सकते हैं? 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम 3 की पावर 2 लिखते हैं तो 3 × 3 क्या हो जाएगा, 9। फिर उसके बाद क्या है, 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 12 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2, 2 जा 4, 4, 3 जा 12। इसके बाद 2 को, जो 8 है, 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, मतलब 2, 2 जा 4, 2 जा 8। ठीक, ये हमारा लिख गया, ये इसका है और ये इसका हो गया, इसके बीच में हमने कॉमा लगा दिया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहले हम छोटी संख्या देखेंगे, सीरियल से लगाएंगे। जैसे कि हमारे पास 2 है, 2 के बाद 3 आता है, तो हम सबसे पहले किसको लेंगे, 2 को लेंगे। तो हमने यहाँ पर 2 को लिया, यहाँ पर भी 2 है और इसमें भी 2 है। तो यहाँ पर क्या है कि जो जिस 2 की पावर ज्यादा होगी उसको यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारे 2 की पावर 3 ज्यादा हो रही है और 2 की पावर 2 कम हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 2 की पावर 3। ठीक, क्या लिख दिया, 2 की पावर 3। तो यहाँ पर एक आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि 2 की पावर 3 में 2 की पावर 2 पहले से ही उपस्थित है।
जो 2 की पावर 3 है उसमें 2 की पावर 2 पहले से ही उपस्थित है, ये हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या किया हमने, 2 और 2 का लिया, जिसकी पावर ज्यादा उसको यहाँ पर लिख दिया। ठीक, इसका काम खत्म, 2 का काम खत्म। अब हम किस पर आते हैं, 3 पर आते हैं। किस पर आए, 3 पर। 3 में जिसकी पावर ज्यादा होगी उसी को लिख देंगे। इस पर 3 की पावर क्या है, 1। जब कुछ नहीं होता है तो उसकी पावर क्या होती है, 1। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। तो किसकी पावर ज्यादा है, 3 की पावर 2। तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, उसकी पावर क्या लगा देंगे, 2। ठीक, 2 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, और 3 की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। 8 9 जा कितना होता है, 72। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम क्या आ गया, 72। ये भी 72, यहाँ पर भी 72। ठीक, आप जो चाहें, आपको जो तरीका अच्छा लगे, ये वाला अच्छा लगे तो आप इस तरीके से करिएगा, ये अच्छा लगे तो आप इस तरीके से करिएगा। ठीक, इसके बाद क्या है, अब हमारा सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर क्या दिया गया, 3 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। एक ये दिया गया है, और एक कोष्टक में हमको दिया गया 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। ठीक, 3 की पावर 2 ये लिखा। अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, फिर अपना वही, इसमें क्या करेंगे, सबसे छोटा पहले देखेंगे, 3 सबसे छोटा है, तो हम देखेंगे क्या यहाँ पर 3 है, एक ये 3 की पावर 5 है और एक यहाँ पर 3 की पावर 2 है। तो क्या बताया, जिसकी पावर सबसे ज्यादा होती है उसको लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, 3 की पावर 5 लिख लिया, क्योंकि 3 की पावर 5 में ही 3 की पावर 2 पहले से ही उपस्थित है, इसलिए हमने क्या किया, 3 की पावर 5 लिख दिया। अब इन दोनों का काम खत्म। इसके बाद 3 के बाद में कौन आता है, 5 आता है। तो अब हम क्या करेंगे, 5 का देखेंगे, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, जिसकी पावर ज्यादा उसको लिख देंगे, इसकी पावर ज्यादा तो 5 की पावर 3, तो इसको लिख देंगे, इसका भी काम खत्म। अब कौन बचा, 7 की पावर 1। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक, अगर आपके ऑप्शन में ऐसे आता है तो यही हमारा एलसीएम होगा। अगर इसी को, संख्या को पूरा मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है, ऑप्शन में वैसा आता है, तो आपका वो एलसीएम होगा। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन आया हमारा, नेक्स्ट नंबर है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2। नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 4। एक ये हो गया। अब एक कौन सा है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 3। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, 7 की पावर 3, 7 की पावर 3। ठीक, ये हो गया। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या को देखेंगे। हमने किसको देखा, 2 को देखा, इसमें 2 है। अब क्या इसमें 2 है, हाँ, एक ये 2 मिल गया, और इसमें भी 2 है ये। अब इसमें देखो सबसे ज्यादा किसकी पावर है, 2 की पावर 4 सबसे ज्यादा है, तो हम क्या लिख देंगे, 2 की पावर 4 इंटू लगा देंगे। ठीक, फिर उसके बाद 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। अब यहाँ पर 3 है, हाँ, यहाँ पर 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 2 है, तो किसकी पावर ज्यादा है, 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5। अब 3 का भी काम खत्म। अब 3 के बाद में 4 आता है, 4 है, नहीं मिल रहा है। अब इसके बाद में 5 है, क्या 5 है, 5 की पावर 3, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, किसकी सबसे ज्यादा है, 5 की पावर 3 की सबसे ज्यादा है, तो हम क्या लिख देंगे, 5 की पावर 3 लिख गया। तो अब 5 का भी काम क्या हो गया, खत्म हो गया। इसके बाद अब कौन आता, 6 यहाँ पर है नहीं, कौन आया, 7। तो अब यहाँ पर 7 की पावर 2, 7 की पावर 4, 7 की पावर 3 कौन ज्यादा होगा, 7 की पावर 4 ज्यादा होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अगर आपके ऑप्शन में क्या आता है, इन सारे को तोड़ के एक नंबर आती है, संख्या मल्टीप्लाई करके, तो वो भी सही है, और ये वाला भी सही है। यही हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट नंबर हमारा कौन सा है, 4 नंबर है, 4 नंबर, 8 इंटू 9
27 इंटू 4 इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे फिर इसको क्या कर लेंगे, क्या हम इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ठीक, कोशिश किया करो कि आप लोग इस इन क्वेश्चंस को ऐसे ही करो तो ये कम टाइम में बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। अगर आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसके बाद इनका एलसीएम निकालेंगे तो टाइम क्या है थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है। ठीक, आप लोग कोशिश करिए कि सवाल को इसी तरीके से लगाएं। ठीक, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर हमारा क्या हो जाएगा 2, लिख सकते हैं 9 को 3 की पावर 2 से। अब यहाँ पर क्या लिखा है 27, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 इंटू 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये हमारा लिख गया, जैसा ये फॉर्म था वैसा ये फॉर्म मिल गया। ठीक, अब तो सवाल क्या हो गया, बिल्कुल सरल हो गया। अब हमने क्या किया 2 को ढूंढा, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, जिसकी पावर ज्यादा उसको यहाँ पर क्या करेंगे लिख लेंगे, बीच में क्या लगा देंगे मल्टीप्लाई। इसके बाद 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 3 ज्यादा है तो हमने 3 की पावर 3 लिख दिया। अब इन सबका क्या कर देंगे, ये भी हमारा एलसीएम हो सकता है और हम चाहे तो इन सारी संख्याओं को तोड़ के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और 3 की पावर 3 क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। और जब हम इसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ जाएगा, हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 216। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल सिंपल से है, सिंपल सा ये चैप्टर है, आसानी से आप लोग इसको सीख सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक, अब कौन सा है 5 नंबर, 5 नंबर कौन सा है 4 × 27 इंटू 2 4 × 9, इसको भी हम इसी तरीके से लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर 4 जो है 4 को हम क्या 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 2 की पावर 1। अब इसके बाद में 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब इसके बाद में हमें किसको देखना है, छोटी संख्याओं को देखना है, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, पर यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि जो ये संख्या थी वो हमारी एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, तो ये जो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 ये दोनों एक ही संख्या के भाग है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 की पावर क्या हो जाएगी 1 और 2 की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर क्या लिख देंगे 3 की पावर 3, तो ये हमारा लिख गया एक संख्या है ये। इसके बाद में यहाँ पर क्या है 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 2 जैसा हमारा था वैसा हमने नोट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या यहाँ पर 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, तो जिसकी घात ज्यादा उसको यहाँ पर नोट कर लिया। फिर क्या लगा देंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 की पावर 3 है, यहाँ पर 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 3 ज्यादा है नोट कर लिया। अब ये भी हमारा एलसीएम हो सकता है और हम चाहे तो उसको तोड़ के मल्टीप्लाई करके लिख दे तो वो भी हमारा एलसीएम होगा। 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होता है, 3 की पावर 3 क्या होता है 27 होता है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा 216। ठीक, क्या आ जाएगा 216। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट नंबर कौन सा है 6 नंबर है। आप 6 नंबर कौन सा है 12 15 और 20। ठीक, ये हो गया, इसका हमें क्या बताना है एलसीएम बताना है। ठीक, तो अब इसको एलसीएम बताना है तो हम इसको एलसीएम को इसको हम इस फॉर्म से भी कर सकते हैं और अपने बेसिक फॉर्म से भी कर सकते हैं। तो अगर हम बेसिक से करते हैं तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 12 लिख देंगे, 15 लिख देंगे, 20 लिख देंगे, 2 से करेंगे 6 आएगा 15 और यहाँ पर क्या आएगा 10 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा 15 आएगा 5 आएगा, फिर हम 3 से करेंगे 1 आएगा 5 आएगा 5 आएगा, फिर हम 5 से करेंगे 1 आएगा 1 आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना होता है 4 3 जा 12 और 12 5 जा कितना आ गया हमारा 60, हमारा क्या आ गया एलसीएम आ गया। ठीक, तो ये हमारा कौन सा मेथड था, ये हमारा था बेसिक मेथड। कौन सा मेथड है बेसिक। अब हम इसको अपने ट्रिक से लगाते हैं। ठीक,
तो यहाँ पर 12 लिखा है, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 4 इंटू 3 4 3 जा 12 लिख गया हमारा। इसके बाद में ये एक संख्या हो गई, अब हम किसको 5 को तोड़ेंगे, 5 3 इंटू 5 क्या हो गया 15 हो गया। 10 को हम कैसा लिख सकते हैं, 10 को हम लोग लिख सकते हैं 5 2 जा 10 क्या होता है 20 है ठीक। तो 5 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 4 5 जा 20 ठीक, 3 5 जा 15 2 2 जा 4 3 जा 12 तोड़ लिया। ये एक संख्या होगी, ये एक होगी, एक ये होगी। अब फिर से वही तरीका, सबसे पहला छोटा लेंगे, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 है नहीं, यहाँ पर 2 है, 2 की पावर 2 2 की पावर 2 दोनों सेम मिल गया, यहाँ पर बड़ा छोटा कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम एक संख्या को लिख लेंगे, लिख लिया। फिर उसके बाद में हम किसको देखेंगे, 3 को, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, दोनों की घातें कितनी है 1 है, यहाँ पर है नहीं, ये भी सेम संख्या मिल गई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 को लिख लेंगे, 3 की पावर 1 या 3 ठीक, लिख लिया हमने। फिर इसके बाद कौन आता है, 5, 5 की पावर भी क्या है 1 है, 5 की पावर भी क्या है 1 है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 5 लिख दिया। अब हम इन सबको, ये भी हमारा एलसीएम हो सकता है, जैसा हमारे ऑप्शन में आता है हम उसी हिसाब से करते हैं। तो ये वाला भी ज्यादातर क्वेश्चंस इसी हिसाब से आते हैं कि आपको ऐसे संख्याएं दे दी जाएंगी और आपका जो आंसर आएगा वो इस फॉर्म में आएगा ठीक। अगर इस फॉर्म में नहीं आता है तो आप इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 12 5 जा क्या हो जाएगा 60। तो ये हमारा एलसीएम क्या आ गया 60। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है ठीक। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 7 नंबर, 24 36 और 12 ठीक। इसको हमें क्या, इसका भी क्या बताना है, इसका भी हमको एलसीएम बताना है, इन सब का क्या बताना है, एलसीएम बताना है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, अपने शॉर्ट ट्रिक से लगाते हैं। तो 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 24 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 8, 8 3 जा कितना होता है 24 लिख गया। इसके बाद में 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 4 इंटू 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, 36 को 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4, 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा 9, 9 4 जा क्या होता है 36, ये हमारा लिख गया। इसके बाद हमें क्या करना है, 12, 12 को हम कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3, 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4, 3 जा 12 ठीक। तो ये हमने लिख दिया। फिर हम अपना वही तरीका लगाएंगे, सबसे पहले छोटी संख्या को देखेंगे, जिसकी पावर ज्यादा होगी उसको फटाक से यहाँ पर नोट कर लेंगे, इसका काम खत्म। अब इसके बाद में हम किसको देखेंगे, 3 को, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 कौन ज्यादा है, 3 की पावर 2 ज्यादा है, तो ये हमारा एलसीएम हो सकता है ऑप्शन के हिसाब से, नहीं तो नहीं आता है तो हमारा ये एलसीएम होगा। 2 की पावर 3 के मतलब क्या होता है 8 ठीक, और 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, तो 8 9 जा क्या हो जाएगा 72, यही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम होगा ठीक। अब हम इसको क्या करते हैं, बेसिक तरीके से लगा लेते हैं। बहुत ज्यादातर लोग क्या होते हैं कि एलसीएम को बेसिक तरीके से लगाते हैं, इस तरीके से नहीं लगाते हैं ठीक। तो बेसिक तरीके से भी देख लेते हैं ठीक, तो हमारा कि हमारा एलसीएम सही आया है कि नहीं आया। तो बेसिक से लगाएंगे, यहाँ पर 12 आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 18 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 12 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, फिर यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा क्या होता है 72 ठीक। ये हमारा क्या हो गया एलसीएम, क्या आया 72 ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। एक बात याद रखिएगा, कल मैंने आपको बताई थी, जब भी हमसे बड़ी से बड़ी संख्या कहा जाए, अधिकतम संख्या कहा जाए, तो वहां पर क्या लगाते हैं हम लोग, मासा निकालते हैं,
बड़ी से बड़ी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। तो वो कौन सा, वो क्या होता है, वो होता है मासा। इसके बाद यहाँ पर हमसे कहा गया है छोटी से छोटी या न्यूनतम लिखा हो, या छोटी से छोटी यहाँ पर लिखा है और क्या लिखा है, न्यूनतम लिखा हो और इंग्लिश की भाषा में मिनिमम लिखा हो, अगर ये आपको कहीं मिल जाते हैं तो वो क्वेश्चंस जो होते हैं वो एलसीएम के होते हैं, क्योंकि एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है। लीस्ट मतलब छोटे से छोटा, ठीक। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, छोटे से छोटा मिल गया, न्यूनतम मिल गया, छोटे से छोटा मिल गया। तो हम क्या है कि जान गए कि हमको यहाँ पर क्या करना है, एलसीएम करना है। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 18, 21, 24, 27 से पूरी तरह विभाजित हो, ठीक। इससे क्या है, पूरी तरीके से विभाजित हो, तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हमने क्या करेंगे, सॉल्ट मेथड से लगाएंगे। तो जो हमारा 18 होगा, 18 को क्या हम 3^2 × 2 लिख सकते हैं, 3 × 3 = 9, 2 = 18। अब 21 को 7 × 3 = क्या होता है, 21, क्योंकि 7 21, 7 × 3 = ही क्या होगा, 21। इसके बाद अब हम क्या 24 को 2^3 × 3 लिख सकते हैं, 2^3 क्या होता है, 8 × 3 क्या हो जाएगा, 24। अब क्या किसको, 27 को क्या हम 3^3 लिख सकते हैं, 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को हम लोग 3^3 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम अपना वही तरीका, पहले सबसे छोटी संख्या देखेंगे, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 2, यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर है और नहीं है, तो यहाँ पर 2^1 है, यहाँ पर 2^3 है, तो हम क्या करेंगे, बड़ी जिसकी पावर होगी उसको यहाँ पर लिख लेंगे, 2 का काम खत्म। अब किसका नंबर आया, 3 का, 3^3 यहाँ पर क्या है, 2 है, यहाँ पर 3^1 है, यहाँ पर 3^3 है, तो जिसकी पावर ज्यादा होगी वो लिख देंगे 3^3 ज्यादा, तो यहाँ पर 3 का काम भी खत्म। अब कौन आता है, 5 आता है, 6 आता है, 6 है नहीं, 5 है नहीं, कौन बचा, 7, तो 7 का कुछ मिल रहा है, नहीं है, तो 7 नहीं है, तो 7 अकेला है, तो हम 7 को लिख देंगे। फिर उसके बाद में कौन बच रहा है, अब कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन सब यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, नहीं तो हम इसको क्या कर देंगे, तोड़ के भी लिख सकते हैं। तो 2^3 को जब हम लिखेंगे 8 आएगा, 3^3 को लिखेंगे 27 आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 आएगा। जब हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1512 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, 1512 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1512 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 18, 21, 24, 27 से पूरी तरह विभाजित होगी, ठीक। अब इसके बाद 9 नंबर कौन सा है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जो 12 तक के सभी सम संख्याओं से पूरी तरह कट जाए। न्यूनतम लिखा है तो हम लोगों को पता चल गया कि यहाँ पर एलसीएम निकालना है, और संख्याएं कहाँ तक है, 12 तक है, वो भी हमारी इवन नंबर है, ठीक। तो 12 तक इवन नंबर क्या हो जाएगी, एक 2 हो जाएगी, एक 4 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 10 हो जाएगी, और क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी, 2, 4, 8, 6 और कौन हो जाएगी, 12 हो जाएगी, ये हो गया। अब हमें इसका क्या बताना है, एलसीएम बताना है, तो अपने वही सिंपल मेथड से 2^1 एक संख्या ये हो गई। इसके बाद में 4 को हम 2^2 लिख सकते हैं, एक संख्या ये हो गई। अब इसके बाद में 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3^2 = 6, एक संख्या क्या हो गई हमारी, ये हो गई। 8 को हम लिख सकते हैं 2^3, ये संख्या ये हो गई। और 10 को हम लिख सकते हैं 5 × 2, ठीक। इसके बाद में हम 12 को कैसे लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 2^2 × 3, 2^2 क्या होता है, 4 × 3 क्या आ जाएगा, 12। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, हमने सारी संख्याएं लिख ली, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ठीक। ये सारी कैसी, अलग अलग संख्याएं हैं। अब इसके बाद में हम सबसे पहले किसको देखेंगे, छोटी संख्या हमारी 2 है, यहाँ पर मिल गई, यहाँ पर 2^2 है, यहाँ पर 2^1 है, यहाँ पर 2^3 है, यहाँ पर 2^1 है, यहाँ पर 2^2 है, इसमें सबसे ज्यादा पावर 2 की 2^3 है,
तो इसको यहाँ पर लिख दिया। अब हमारा टू का काम खत्म। अब इसके बाद हमारा क्या आता है, थ्री। थ्री की पावर यहाँ पर वन है, थ्री की पावर यहाँ पर क्या है, वन है, और थ्री की पावर वन है, तो यहाँ पर हम थ्री की पावर वन नोट कर देंगे। फिर उसके बाद में क्या है कि उसके बाद में फाइव, फाइव की पावर क्या है, वन है, तो यहाँ पर हम फाइव की पावर वन लिख देंगे। हम क्या करेंगे, यही हमारा एलसीएम हो सकता है। अगर पूरा एक संख्या में हमारा आंसर आ रहा है तो हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। टू 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 जा फोर, टू जा एट, इंटू थ्री इंटू फाइव, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एट थ्री जा कितना होता है, एट थ्री जा होता है हमारा 24, 24 इंटू फाइव क्या हो जाएगा, 120। यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम, यही हमारा है आंसर। ठीक, आप चाहे तो इसको अपने बेसिक मेथड से भी लगा सकते हैं, जैसा मैंने आपको अभी पहले वाले सवालों में बताया है। ठीक, उस तरीके से भी लग जाएगा, इस तरीके से भी लग जाएगा। ठीक, तो बट ये वाला जो तरीका है बहुत ही सिंपल है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो तरीका आपको टफ लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग भी है, पर ये वाला जो तरीका है बहुत सिंपल है और बहुत जल्दी से इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट नंबर कौन सा, 10 नंबर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो पूर्ण वर्ग भी हो। इन क्वेश्चंस में हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, क्या लिखा है, पूर्ण वर्ग भी हो और 3, 4, 7, 10, 12 से पूरी तरीके से विभाजित भी हो। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम आपको बेसिक से भी बताएंगे और ट्रिक से भी बताएंगे, जैसा हम लोगों ने अभी तक सीख रहे हैं। ठीक, तो इसको दो तरीके से बताएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम बेसिक से लगाएंगे। तो बेसिक से लगाएंगे तो कैसे करेंगे, ऐसे यहाँ पर थ्री लिखेंगे, यहाँ फोर लिखेंगे, यहाँ सेवन लिखेंगे, टू लिखेंगे और ट्वेल्व लिख देंगे। इसके बाद हम इसको सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से काटने की कोशिश करेंगे, टू से संख्या जो कट रही होंगी काट देंगे और जो नहीं कट रही होंगी उनको अपनी जगह पर लिख देंगे। तो यहाँ पर थ्री नहीं कट रही है, टू टू जाइए फोर हो गया, सेवन हो गया, फाइव हो गया, सिक्स हो गया। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, वन हो जाएगा, सेवन हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। फिर उसके बाद में टू से कुछ नहीं कटेगा, थ्री से, थ्री में वन हो जाएगा, वन हो जाएगा, सेवन हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, वन हो जाएगा। इसके बाद में फाइव से करेंगे, यहाँ पे सेवन आएगा, वन आएगा, वन आएगा। फिर इसके बाद में हम सेवन से कर देंगे। ठीक, तो ये हमारा सारा कट गया। इसके बाद में अब हम देख रहे हैं कि हमसे एक बात कही गई है पूर्ण वर्ग कि हमारा जो यहाँ पर एलसीएम आएगा, आंसर आएगा, वो एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जिसके जिसके जोड़े, पूर्ण वर्ग का मतलब होता है दो दो के जोड़े, तो यहाँ पर टू का तो जोड़ा बन रहा है, टू टू जा क्या हो जाएगी, टू का क्या हो रहा है, जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पर टू टू जा फोर लिख दिया। थ्री का जोड़ा नहीं बन रहा है तो हम यहाँ पर थ्री का अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्यों, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो हमने यहाँ पर थ्री का मल्टीप्लाई कर दिया, थ्री थ्री जा क्या हो गया, नाइन। अब इसके बाद फाइव का जो हमारा जोड़ा नहीं बन रहा है तो हम अपनी तरफ से फाइव का मल्टीप्लाई कर देंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइव फाइव क्या आएगा, 25 आएगा। इसके बाद में सेवन का भी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सेवन सेवन जा क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक, तो जब हम इन सब संख्याओं का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 44100 हमारा क्या आ जाता है, आंसर है। इसका हमारा आंसर क्या आया, 4410। अब ये क्या किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होगा, हाँ, किसका हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा 210 का पूर्ण वर्ग होगा। जब हम 210 का क्या लिखेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो हमारी ये संख्या आ जाएगी। ठीक, अगर हम इन संख्याओं का मल्टीप्लाई नहीं करते, मान लेते इन संख्याओं का हम मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक, तो हमारी संख्या पूर्ण वर्ग कभी नहीं बनती, क्यों, देख लो, टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, और ट्वेल्व फाइव जा कितना होता है, 60, और 60 इंटू सेवन क्या आता है, 4420। क्या 420 किसी संख्या का वर्ग होगा, नहीं होगा, 420 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होगा, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता, गलत हो जाता। ठीक, और हमारा क्या होता है, गलत आंसर आता। तो हम लोगों ने पहले से सवाल को क्या किया, ध्यान से पढ़ा,
तो हमने इस बात पर गौर किया कि यहाँ पर हम लिखा है पूर्ण वर्ग, इसलिए हमने पहले से ही यहाँ पर क्या किए, संख्याओं के वर्ग बना लिए। दो का वर्ग है टू की, टू का स्क्वायर क्या हो गया फोर हो गया, थ्री का स्क्वायर क्या हो गया नाइन हो गया, फाइव का स्क्वायर क्या होगा 25 हो गया, और सेवन का स्क्वायर क्या हो गया 49 हो गया। सारे का मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास एक ऐसी संख्या आ गई है, वो भी छोटी से छोटी संख्या आ गई है, जो किसी संख्या का क्या है पूर्ण वर्ग है। ठीक, आई होप आप लोगों को ये वाला तरीका समझ में आया होगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको ट्रिक से लगाते हैं, अपना सॉल्व ट्रिक जो है उससे लगाने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा, 3, 4, 7, 10, 12। ठीक, ये है ऐसी संख्या हमें बतानी है जो पूर्ण वर्ग हो। ठीक, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, सॉल्व ट्रिक से कैसे करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे, अब देखो 3 जो है, 3 का अगर हम 1 लिख देंगे या 3 को ऐसे लिख देंगे तो ये तो ठीक है। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। 7 को हम ऐसे ही लिख सकते हैं, 10 को हम 5 × 2 लिख सकते हैं, और 12 को हम 2 का स्क्वायर × 3 लिख सकते हैं, लिख दिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले 2 को देखेंगे, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2, तो यहाँ पर हम एक बार 2 की पावर 2 लिख लेंगे। इसके बाद हम किसके पास जाएंगे, 3 के पास, 3 की पावर 1 और 3 की पावर है ही नहीं कुछ, तो यहाँ पर हम 3 को लिख लेंगे। फिर उसके बाद में हम किसके पास जाएंगे, 5 के पास जाएंगे, 5 को भी लिख लेंगे और 7 को भी लिख लेंगे। ठीक, तो अब देखो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 का तो वर्ग है, 2 का तो वर्ग है, और 3 का वर्ग नहीं है, 5 का वर्ग नहीं है, 7 का वर्ग नहीं है, और हमारे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है। तो हम क्या करेंगे, अपने मन से यहाँ पर क्या लगा लेंगे, वर्ग लगा लेंगे। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, 7 7 जा 49, इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 1 0 0 हमारा एलसीएम आ जाएगा, जो कि 2 1 0 का पूर्ण वर्ग होगा। ठीक, अगर हम इन तीनों संख्याओं को इसको वर्ग ना बनाते, और हमारा आंसर क्या आता, हमारा आंसर आ रहा था 420, जो कि किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक, तो ये क्या है, आई होप आप लोगों को ये समझ में, ये सारे क्वेश्चन से क्या है समझ में आए होंगे। ठीक बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग लासा के जो शेष आधारित प्रश्न है उनकी प्रैक्टिस करेंगे, उनको सीखेंगे। ठीक, आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा। अगर इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट है कि ये क्वेश्चन मैंने कैसे सॉल्व किया है, तो आप लोग ये कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।